उस बाला का वरना मुझ में ऐसी कोई जो एक पैसा भी देता है सौ बार जता देता है। तो ये जो बाबा सबकी झोलियां भरता है ये अपना पता भी जिसे मिल जाए मुझे बाद में आके उसका रास्ता समझा देना। मुझे आज 30 साल से ज्यादा हो गए भजन गाते हुए, पता नहीं लोग कैसे उसको पा जाते हैं इतनी सरलता से। सत्संग में आते हैं लेकर मन में रावण कंस मंथराए और सोचते हैं मिलेंगे राम, मिलेंगे श्याम, मिलेंगी शेरा वाली। कथनी करनी में इतना बड़ा अंतर। माताएं बहनें आज जहां बैठी हैं एक बार दिल पर हाथ रखकर बताएं कि जैसे घर में रसोई बनाती है कच्ची सब्जी तो नहीं खिलाती, तो फिर सत्संग में कच्चा पक्का खा कर कैसे चले जाते हो मेरी समझ से बाहर। बोल बालाजी महाराज की। अरे जैसे रसोई की तैयारी होती है घर में, साफ बर्तन निकाले जाते हैं, सब्जी आती है, साफ जल के नीचे धोते हैं, मसाले निकालते हैं, अग्नि प्रज्वलित करते हैं, भाव का तड़का लगाते हैं, भाव से खिलाते हैं, तब होती है पूरी रसोई। तो मेरे बाबा की, मेरे बालाजी की रसोई इतनी आसानी से कैसे बन जाएगी जब मन में लेकर बैठेंगे रावण कंस मंथराए। अरे किस रावण की काटू बाहें, किस लंका में आग लगाऊं, ये मेरे बालाजी के शब्द है। किस रावण की काटू बाहें, किस लंका में आग लगाऊं, घर घर रावण पग पग लंका, इतने राम। प्रभु उस युग में तो तुम अकेले थे। बहुत सुंदर भजन आज से 22 साल पहले गाया था, अपनी सभी प्रिय रचनाएं आपको सुनाऊंगा। आइए सुनते हैं मन के विकार, मन की बुराइयों को इस भजन में छोड़कर आगे बढ़ेंगे तब उसके नाम का आनंद बरसेगा। दो हाथ वाले, एक जुबान वाले, दोनों हाथ से जयकार लगाएंगे। बोल बालाजी महाराज की, बोल साला सर हनुमान की।